मैंने कभी भी अवार्ड और रिवार्ड के लिए काम नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कंपनी के झंडे गाड़ूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। मैंने सिर्फ अपने बिजनेस पे पूरा फोकस किया कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, यदि मैंने काम बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा। तो डेलिबरेटली मुझे पता चला कि मैं काम करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आते हैं, मैं काम नहीं करता तो मुझे रिजल्ट नहीं आते। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सुना था कि यदि आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, यदि आप टाइम फ्रीडम चाहते हो, यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आपके पास में लीडर्स होना चाहिए। आपके पास में जो लोग हैं उनके ऊपर काम करके उनकी लीडरशिप पे, डेवलपमेंट पे जरूर काम करना चाहिए। वही बात मुझे समझ में आई। शुरू में बहुत सारी मिस्टेक्स की, लीडर्स के ऊपर काम किया, और माधव जी ने बड़ी आसानी से कह दिया, पूरा श्रेय जो है जैन साहब को दे दिया कि जैन साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये इस बिजनेस में यदि कुछ भी होता है तो वो टीम वर्क की वजह से होता है, और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे नेटवर्क में परशुराम जी जैसे, माधव जी जैसे ग्रेट लीडर्स हमारे साथ हैं। यदि माधव जी को हटा देता हूँ मैं यदि परशुराम जी को यदि हटा देता हूँ और फिर इस बिजनेस को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उतनी सक्सेस मैं नहीं ले पाता। तो आप भी, आपको भी समझने की जरूरत है कि हम अकेले कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनका कैसे हाथ पकड़ के आप आगे लेके चल सकते हो, कैसे उनके साथ में एनर्जीज को आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे एक दूसरे के साथ में मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। उसके पहले आपका काम बड़ा नहीं होता है। मुझे बहुत, मतलब मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मेरे नेटवर्क में नरसिंह ग्रेवाल साहब जैसे लोग आए, मेरे नेटवर्क में माधव जी जैसे लोग आए, मेरे नेटवर्क में परशुराम जी जैसे लोग, नेटवर्क में लोग आए जहाँ पर मुझे कभी भी देखना नहीं पड़ा। और माधव जी के बारे में तो मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि आपके पास में एक ऐसे लीडर हैं जो दिन रात सिर्फ नेटवर्क के बारे में सोचते हैं, नेटवर्क के बारे में मेहनत करते हैं, कैसे ये बेटर हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि इनका जो काम करने का स्टाइल है वो आप समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी ऐसी टीम में किसी और के पास में बड़ा मुश्किल से मिलता है। आपको एक ऐसे मौके बना के देते हैं, ऐसे इवेंट्स तैयार करके देते हैं, ऐसी टीचिंग्स और ऐसी लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स आपको बना के देते हैं जहाँ पर यदि आप अपने आप को सिर्फ डाल भर देते हो ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो जब ऐसे लीडर्स आपके साथ में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आगे का कोई रास्ता आपके लिए कोई मुश्किल है। आपके लिए सक्सेस लेना, डायमंड बनना, ये सब बहुत छोटी सी बात है। तो आप इन सारे लीडर्स का आप साथ पकड़ के चलो। जितने भी हमारे टॉप लीडर्स, हमारे डायमंड्स क्लब बैठा हुआ है, हमारे यहाँ पर रेड क्लब्स बैठे हुए हैं, और भी जितने लीडर्स बैठे हुए हैं, आज आप, आपका जो भी बिजनेस होगा या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, जिन लीडर्स के साथ आप रोज काम करते हैं उनके बारे में कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि रोज जो है आप उनको देख रहे हैं तो हमारा कहीं भरोसा कम होता है उनको, उनके बारे में यहाँ वहाँ से खबर मिलती है, इनपुट्स मिलते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना कि यदि इस बिजनेस में आपको कोई कामयाबी दिला सकता है तो वो है आपकी अपलाइन। आप इसमें डाउनलाइन का तो सिलेक्शन कर सकते हो कि एक डाउनलाइन ठीक नहीं है, दूसरे को स्पॉन्सर करके आप अपने रास्ते बना सकते हो, लेकिन आपके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप अपनी अपलाइन को हटा के आप इस बिजनेस को आगे डेवलप कर लो। अपलाइन मिली है तो वो हमारे लिए, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक ऐसी एलएस का हिस्सा है जहां पर आपकी जीत सुनिश्चित है। कितना ज्यादा आप टिक सकते हो, कितना ज्यादा आप भरोसा करके इन सारी चीजों पर टिके रह करके अपने आप को स्टे करा सकते हो, उतनी जल्दी आप डायमंड बनते हो, उतना स्टेबिलिटी के साथ में आप इस बिजनेस में बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को बना सकते हो। आज ये जो मौका है, कुछ संदेश देने का था, जरूर आपकी अपेक्षा होगी मैं यहाँ जरूर इस प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन का डे है। आज आप लोगों ने इतनी मेहनत करके अपने आप को इस मुकाम पर पहुँचाया है तो जरूर सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को आगे आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने, जल्दी से जल्दी कामयाब हों, 2 लाख की सबको टैपिंग मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।